तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तीनों आरोपियों को यहाँ की बड़ी खबर कि तीनों आरोपी जो है गिरफ्त में है और मीडिया के भेष में वो यहाँ पे आए। बिल्कुल मीडिया के भेष में यहाँ पर पहुंचे थे। पुलिस कर्मी जब तक कुछ समझ पाते अतीक अहमद को लेकर के यहाँ जैसे ही मेडिकल के लिए अंदर जा रहे थे तभी ताबड़तोड़ जो है वो मीडिया के भेष में थे। तीनों पुलिस कर्मियों तीनों जो आरोपी है वो सीधे अतीक और अशरफ पर फायरिंग करते हैं और दोनों को साइड से कान पर सटा करके गोली मारते हैं। दोनों फिलहाल मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। हालांकि बड़ी अपडेट यह है कि तीनों आरोपी जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं। इनके कनेक्शन क्या है इस पर जांच चल रही है, लगातार पूछताछ चल रही है। आपको बता रहे बड़ी अपडेट, तीनों आरोपी पकड़ लिए गए इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं। तो अब ऐसे में ये कह सकते हैं कि तीनों आरोपी नाम पता चल पाया गुफरान? आरोपियों के नाम फिलहाल अभी साफ नहीं हुए हैं लेकिन तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। बड़ी अपडेट यह है कि माफिया के जो हत्यारे हैं तीनों जो हत्या के आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीनों को पकड़ लिया है। पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनका यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है। एसपी क्राइम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल 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 हम बात करेंगे एसपी क्राइम से क्योंकि देखिए पूरी घटना हुई है और ऐसे में ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है एविडेंस के लिए जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं। तो लगातार देखिए लगातार सतीश जी क्या हुआ, क्या जानकारी आई है? गोली चली है और गोली लगी है दोनों को, दोनों मर गए ये मैं नहीं बता सकता, अंडर ट्रीटमेंट है। अच्छा ये बताइए आरोपी पकड़ लिया अतीक और अशरफ दोनों को गोली लगी? मैं अभी अवेयर नहीं हूँ, मैं अभी भी पहुँचा हूँ। आप जो सीन देख रहे हैं उतना ही मुझे पता है। तीनों आरोपी बता नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप बता सकते हैं कि एसपी क्राइम यहाँ पर तीनों आरोपी जो है पकड़ लिए गए हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सहयोगी गुफरान ने ब्रेक की है कि आपको बता दें कि देखिए लगातार तीनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं, लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुफरान और कुछ बताइए यहाँ पर क्योंकि किस भेष में आए थे वो? पकड़े गए हैं मीडिया के भेष में आए थे। पुलिस कर्मी जब तक उनको समझते तब तक ताबड़तोड़ दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक से अतीक अहमद और दूसरी तरफ से अंगे लगा को निशाना बनाया गया। क्या लेकर आया? अब बिल्कुल देखिए तीनों बदमाश यहाँ पहुंचे थे मीडिया के। सर किस तरीके से मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आ जाओ अगर आ सको तो, चेकिंग बहुत है। पुलिस डिपार्टमेंट को बिल्कुल अतीक और अशरफ की गोली मार के हत्या हो जाती है और पुलिस जो है वो देखती रहती है। मतलब साफ है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हत्या हो जाती है, मतलब साफ है कि जो डर जता रहे थे वो डर साथ-साथ साबित हुआ। बिल्कुल माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट का भी निर्देश था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। प्रयागराज पुलिस को पार्टी बनाया गया था, पुलिस कमिश्नर को भी पार्टी बनाया गया था। ये कहा गया था कि तमाम जरूरी तस्वीरें दिखाइए, रामबाला चौसिया तस्वीरें दिखाइए, सवाल कानून व्यवस्था पर। प्रयागराज की कानून व्यवस्था आखिर किसके हवाले है? कौन है जो यहाँ के कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है? आखिर प्रयागराज की कानून व्यवस्था क्यों यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद संभल नहीं है? माफिया अतीक ब्रदर जो है उनकी हत्या हो गई है, दोनों की गोली मार करके हत्या हुई है। आरोपी फिलहाल गिरफ्त में है, कौन है, किसके इशारे पर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि तीनों आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं, लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज वो सामने कैमरा लगा हुआ है उसके फुटेज बहुत कुछ बयां करेंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुटेज आप लोग निकलवा रहे हैं कैमरे की डीवीआर कब से मिले कैमरे की डीवीआर निकाले आप लोग दीपक जी? आप लोग कैमरे की प्लीज।